आपको यूपी के सिद्धार्थनगर जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। आपकी जोरदार तालियां, बहुत बहुत बधाई। बचपन में ही निकल जाता था, इंसेफ्लाइटिस से सबसे अधिक पीड़ित कोई जनपद था, उनमें से सिद्धार्थनगर जनपद भी एक था। मैंने अपनी आंखों से पिछले 30 वर्ष के अंदर हजारों बच्चों को इंसेफ्लाइटिस की महामारी से काल कलवित होते हुए देखा है। उन बच्चों के जीवन को बचाने के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ता था, और तब मेरे साथ भले विपक्ष में उस समय श्री जगदम्बिका पाल जी रहे होंगे, लेकिन मेरे साथ तब भी वहां मेरी आवाज के साथ आवाज दिलाने का काम करते थे वह विपक्ष का एकमात्र सांसद होता था जगदम्बिका पाल। वे कांग्रेस के सांसद थे, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ मेरा प्रस्ताव था, और उस सदन में एक व्यक्ति अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा होकर के यहां की मासूमों को बचाने के लिए उस समय खड़ा हुआ था, और बहनों भाइयों का नाम था जगदम्बिका पाल का। पूरा सदन भौचक था कि मैं तो विपक्ष में था ही, लेकिन मेरे स्वर में स्वर मिलाने का काम कोई एक सांसद कर रहा है तो वह जगदम्बिका पाल कर रहा है। और बहनों भाइयों, आज जब हम लोग आज कह सकते हैं कि सिद्धार्थनगर जनपद अब इंसेफ्लाइटिस से मुक्त हुआ, बीमारी समाप्त हुई, इसके बहुत सारे कारण हैं। हमने मच्छर भी समाप्त किया, माफिया भी समाप्त किया, और जब मच्छर और माफिया समाप्त होता है तो बीमारी भी समाप्त होती है, और बीमारू राज्य की श्रेणी से बीमार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली हमारे सभी लाभार्थियों के लिए जिनको सांकेतिक लाभ का वितरण आज संपन्न किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि आज ही 1200 लाभार्थियों को स्मार्टफोन का वितरण अभी इसी परिसर से जिला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मैं अतिथियों से आग्रह करूंगा कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।